गाइस कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों को अपने पेट से मिलवाऊंगा, यानी कि जो जानवर मैंने अपने घर में पाले हुए हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। और आप मेरी बिल्ली को जानते ही हैं, मैं उससे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा डिटेल में। और मैं आपको अपनी बर्ड्स वगैरह से मिलवाऊंगा। और जो सबसे ज़रूरी पर्सन, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, सबसे ज़रूरी पर्सन से मिलवाऊंगा, और वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। उस अपने बेस्ट फ्रेंड से मैं आपको मिलवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Please click the subscribe button and press the bell icon to receive my videos as soon as possible. So guys, finally मैं अपनी बिल्ली को ले आया हूँ। काफ़ी देर लगी मुझे, वो ऊपर सो रही थी, मैं उसे ले आया हूँ इधर अपने इस फेवरेट रूम में जहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ मोस्टली। इधर मैं लेकर आ गया हूँ अपनी कैट को। तो अभी मैं इसको उठाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोगों के से इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करूँगा। अरे कहाँ जा रही है भाई, मैं आया एक मिनट। A few moments later. So guys, मैं ले आया हूँ अपनी बिल्ली को। इसका नाम है सिल्वर। सिल्वर नाम है इसका। बहुत शैतान है, बहुत जबरदस्त बिल्ली है, बहुत ही ज्यादा हमारे साथ अटैच है। क्यों सिल्वर है ना? आई थिंक सर सीरियसली शी इज रियली ए नाइस कैट। बहुत अच्छी है, बहुत स्वीटी है, बहुत फ्रेंडली है, हमारे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। और तकरीबन हमारे पास ये कब से हो, एक साल से है तकरीबन। और हमारे पास हमारे इससे पहले भी हमारे पपलियाँ वगैरह थी। एक तो बेचारा हमारा ओरियो मर गया था, ओरियो नाम था उसका, वो बिल्ला था। 5 साल तक हमने उसे पाला और फिर वो मर गया था। और अभी हमारे पास ये सिल्वर है। ये मेरी सबसे अच्छी और प्यारी पेट है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे अटैच हूँ। हमारे घर वाले तकरीबन खासकर मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा इससे अटैच हैं। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ फ्रेंडली है। तो बस मेरी और आपने वो वीडियो देखी होगी कैट रिएक्शन, और वो आपने वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने इसको दिखाया था, और उससे पहले हाउ टू रिजॉइन वाली में भी आपने इसे देखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट पेट की तरफ, इसको छोड़ देते हैं, जाना चाह रही हूँ ना, शी इज हंग्री अभी, इसका टाइम है खाने का, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी अपने ड्राइंग रूम से निकला हूँ, और ये भागती हुई बाहर आ गई थी, और ये यहाँ पर इसका खाना पड़ा हुआ है और ये खाना खा रही है। तो इसके खाने का टाइम था, अभी ये खाना खा रही है। तो चलते हैं बर्ड्स की तरफ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर के सहन में, अपने घर से बाहर, दरवाजे से बाहर नहीं, मतलब अपने घर के इस वाले दरवाजे से बाहर आ चुका हूँ। सहन में खड़ा हूँ और अपने पैरट्स के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो आप लोगों को कैमरे का एंगल चेंज करके अभी इन सारे पैरट्स से मिलवाता हूँ। अभी यहाँ पर कैमरा बंद। तो अभी आप इस वक्त मेरा मेन पैरट, जो मेरा सबसे बड़ा और सबसे अनोखा पैरट है, वो देख सकते हैं। ये है मेरा ग्रे पैरट। इसको हमने बहुत छोटा ख़रीदा था और हमने इतना बड़ा कर लिया है। ये हमारे पास तकरीबन 5 सालों से यहाँ पर मौजूद है, और ये हमने बिल्कुल बच्चा ख़रीदा था, बिल्कुल छोटा सा, और अब ये इतना बड़ा हो गया है, और ये इतना सब कुछ बोलता है, इतना सब कुछ बोलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत बहुत कुछ बोलता है, मैं ऐसा कॉपी करके बिल्कुल बोलता है। अक्सर हम लोग उल्लू बन जाते हैं कि दरवाजे पे कौन है, हम जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, होता है तो कौन, इन साहब की आवाज़, ये बैल की आवाज़ ऐसी निकालता है ज़बरदस्त किस्म की। आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में ऐसा कोई पैरट है जो ग्रे पैरट से अच्छा बोलता हो, और हमारा ग्रे पैरट ये बहुत ज़बरदस्त है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, इसके एक बंदे ने 2 लाख रुपए लगाए थे, जबकि ये हमने 50,000 का ख़रीदा था, बहुत छोटा ख़रीदा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा ख़रीदा था, और इसके एक बंदे ने 2 लाख रुपए लगाए थे। तो अभी देखिएगा, ये मैं भी आ जाए, वरना तो ये कैमरे को देख रहा है, डर रहा है अभी। प्लीज़ आ जाओ यार, आ जाओ, नहीं आ रहा अभी। तो अभी हमारे पास जो सेकंड पैरट्स हैं हमारे, वो हैं
क्या हो गया भाई, किधर चले गए तुम लोग? आई कांट बिलीव वो दोनों के दोनों अपने घर के अंदर घुस चुके हैं. एक्चुअली ये हैं एल्बिनो रेड आइज. दोनों के दोनों अपने उसमें जो छोटा सा प्यारा सा घर है इन लोगों का, ये कुंडली जिसे हम कहते हैं या वी कैन से नेस्ट बॉक्स, उसमें घुस चुके हैं. तो इसके अंदर मोस्टली ये लोग बैठे होते हैं. तो अभी मैं कैमरा पॉज करता हूँ, इन्हें बाहर निकालता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा. सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये किस कदर प्यार करवा रहा है, किस कदर खेल रहा है, जरा सा भी बाइट नहीं करता है. ये भी काफी हमारी फैमिली के साथ अटैच है. ये देखिए अगर आप इसको अपनी फिंगर देंगे तो ये हल्के हल्के से प्रेस भी करता है, प्यार करता है. और इसकी आप गर्दन पे प्यार कर सकते हैं, चोंच पे प्यार कर सकते हैं. ये देखिए अब इसने मोबाइल देख लिया तो ये पीछे जा रहा है. तो ये है मेरा पैरेट, ग्रे पैरेट. और आप इन छोटे वालों को तो देख ही सकते हैं, ये दोनों बाहर ही नहीं आ रहे. थोड़ी देर में मुझे वेट करना पड़ेगा इनके लिए कि ये कब बाहर आते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ. सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा एल्बिनो रेड आई, मेरा तोता. अभी एक ही निकला है, दूसरा अंदर है ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर. तो आप देख सकते हैं बड़ी देर से बाहर नहीं निकल रहा था, अभी बाहर निकला है. तो आप देख सकते हैं और यही है मेरा एल्बिनो रेड आई. इससे पहले आपने मेरे व्लॉग नंबर 1 टूर ऑफ माय टाउन की वीडियो देखी ही होगी. उसमें मैंने अपने प्रीवियस तोते दिखाए थे, वो थे फिशर और लोटिनोस. अब हमने वो दे दिए हैं और ये एल्बिनो रेड आई ले लिया है. बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है. और ऐसा ही दूसरा है, वो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर है. सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी दिखाऊंगा, उससे आपको मिलवाऊंगा. तो मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाने वाला हूं, अपना बेस्ट फ्रेंड मैं सोशल मीडिया पे रिवील करने वाला हूं. तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड कौन है? आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या इसने दिखाया है, पागल हो गया ये आदमी, गलत सिनेमैटिक्स बना दी हैं गलती से इसने. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं एक बेकर हूँ, मुझे बेकिंग का शौक है. मैंने आई गेस किसी एक्चुअली बेकिंग मेरी हॉबी है. मैंने एक किसी ना बेकिंग चैनल के ऊपर कमेंट किया होगा कि ऑल बेकिंग लवर्स हिट लाइक. तो मेरा कोई सब्सक्राइबर था, उसने वो देख लिया, उसने कमेंट भी किया था बेकर है क्या तू. मैंने लिखा था येस येट्स इट्स माई हॉबी. तो उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता. तो मैंने सबके सामने अपनी हॉबी रिवील कर दी है कि मेरी हॉबी है बेकिंग. और बे और ओवन जिसमें मैं चीज़ें बेक करता हूँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा रोल प्ले करता है और मेरे बोरिंग डेज को हैप्पी बना देता है. तो आप लोगों को अगर मेरे पेट्स अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी हॉबी से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए तो हिट लाइक और मेरी वीडियो को लाइक्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और जो मेरे नए सब्सक्राइबर आजकल बन रहे हैं उनको मैं हेलो बोलना चाहता हूँ. अभी के लिए बाय.